हमारे विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। इंसान के पवित्र विचार उसके भीतर ऊर्जा का संचार करते हैं। जितनी पवित्रता होती है विचारों में, उतनी ही ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी मदद करना शुरू कर देती हैं। विचारों की वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड को स्पंदित करने लगती हैं और हम ब्रह्मांड से जो इच्छा करते हैं वही चीजें हमारे पास लौटने लगती हैं। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं तो उत्तर भी अच्छा आता है। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए गलत सोचना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर की गलत वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। उसके अंदर भी वही द्वेष, वही बैर की भावना आती है। यदि हम पवित्रता रखते हैं, सात्विकता रखते हैं, तो हमारे भीतर की खुशी, हमारे भीतर की सात्विकता ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। एक बार एक सेठ ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नगर के राजा से दोस्ती की। राजा से दोस्ती के बाद नगर सेठ का व्यापार बढ़ने लगा। उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे सेठ और संपन्न होता चला गया। एक दिन वह अपने घर में बैठा था, मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसे लगा, मेरे व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति हो सकती है यदि नगर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरी सारी चंदन की लकड़ियों को खरीद ले। परंतु यह संभव कैसे होगा, इसके बारे में वह सोच रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि यदि नगर का कोई सेठ या कोई भी व्यक्ति जिसका सभी सम्मान करते हैं उसकी मृत्यु हो जाए तो सारी चंदन की लकड़ियां मेरी बिक जाएंगी और मैं और अमीर होता चला जाऊंगा। तो उसने सोचा कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कौन है। तो उसके मन में तुरंत उत्तर आया, जो नगर के राजा हैं, यदि उन्हीं की मृत्यु हो जाए तो मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी। अब वह दिन रात यही सोचता, कब राजा की मृत्यु होगी, कब वह मृत्यु को प्राप्त होगा और कब मेरी लकड़ियां बिकेंगी। अब उसके विचारों की वाइब्रेशंस धीरे धीरे राजा तक भी पहुंची। अब राजा के मन में भी नगर सेठ के प्रति द्वेष आने लगा। उसे लगने लगा, नगर सेठ बहुत ही फल फूल रहा है, जरूर यह कोई चोरी करता होगा। उसने अपने लोगों को बुलाकर इंस्पेक्शन कराना शुरू किया, पूरी जांच करवाई। उसे लगा कि जरूर कुछ घपला है और नगर सेठ को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया गया। अब राजा के मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि इसको मुझे जेल में डालना है, इसको दंडित करना है। बार बार यही विचार उसके मन में आए। उसने पूरी इंस्पेक्शन टीम से बात की, निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष के बाद पाया कि यह सेठ निर्दोष है। परंतु राजा समझ नहीं पाया क्यों उसके मन में गलत विचार आ रहे हैं इस सेठ के बारे में। तो उसने सेठ को अलग से बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे थे? तब नगर सेठ ने अपने मन की बात राजा की सम्मुख रखी और कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरा व्यापार बढ़ जाएगा यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने पूछा कि मेरी मृत्यु से तुम्हारा व्यापार कैसे बढ़ेगा? तब नगर सेठ ने कहा, यदि आपकी मृत्यु होती तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाती। तो राजा बहुत जोर से हंसा। राजा ने कहा, तुम्हारे भीतर के गलत विचार मुझे भी प्रभावित कर रहे थे, इसीलिए बिना बात के मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था तुम्हें मैं दंड दे दूं। यदि तुम यह सोचते कि मैं राजा के पास जाकर
अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सलाह ले लूं, तो तुम्हारा व्यापार भी बढ़ता और तुम्हें यह दंड भी भोगना ना पड़ता। तुम्हारे पवित्र विचार तुम्हें और आगे ले जाते, परंतु तुमने गलत विचार किया। इसी वजह से मेरा मन भी हिला, मेरे मन में तुम्हारी दोस्ती के प्रति शंका आई। तो जैसे विचार हम रखेंगे वैसी भावना आपके भीतर आएगी और वही भावनाएं दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी छुएंगी। यदि हम द्वेष मिटाना चाहते हैं, बैर मिटाना चाहते हैं, तो मन में प्रेम, करुणा और पवित्रता लानी चाहिए। और मन की पवित्रता, मन का प्रेम, हृदय का प्रेम आता है जब हम साधना करते हैं, जब हम प्रभु का नाम जपते हैं, जब हम ध्यान करते हैं उस परम शक्ति का, तब हमारे अंदर इस प्रकार की गुण आते हैं। तो आइए आज के दिन अपने भीतर प्रेम को जागृत करने के लिए और विचारों को सात्विक बनाने के लिए ध्यान के मार्ग पर चलते हैं।